संत निरंकारी मिशन इतिहास के पन्नों से। संत निरंकारी मिशन की शुरुआत सन 1929 में पेशावर में हुई। इस मिशन की नींव प्यार, शांति और मानवता। बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन की शुरुआत में सत्य का यह ज्ञान कुछ इच्छुक व्यक्तियों के साथ साझा किया। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक तूफान आने की वजह से एक साइकिल की दुकान के आगे रुक गए और फिर दुकान के अंदर से आवाज आई, भाई साहब तूफान बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद जब फिर कहा गया, भाई साहब भिज जाओगे, तूफान तेज है, अंदर लंग आओ। तब बाबा जी कहने लगे, देख लो जे मैं अंदर आ गया फिर मैं बाहर नहीं जाना। फिर जवाब मिला, कोई नहीं भाई साहब, जी आया नू, लंग आओ। क्या खूब रमस थी सदगुरु की कि निरंकार जिस घट में वास करता है वहां से फिर बाहर नहीं जाता। गुरु व गुरसिख के रिश्ते का उस दिन से आगाज हुआ। अज्ञान अंधेरे में ज्ञान के दीपक से प्रकाश हुआ। यूं मिला मिशन को अपना प्रथम गुरसिख और ज्योत जगती गई एक दिए से दूसरे दिए तक। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी अपने समर्पित गुरसिख अवतार सिंह जी को सौंप दी। बाबा अवतार सिंह जी ने अपने तप और त्याग से सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया और इस सफर में उनकी धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी ने सच्चे गुरसिख के रूप में हरदम साथ निभाया। सन 1947 में बंटवारे के बाद बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आकर बस गए और कुछ समय बाद निरंकारी कॉलोनी में आकर रहने लगे। मिशन के तेजी से होते हुए विस्तार को देखते हुए एक प्रबंधन कमेटी की स्थापना सन 1948 में की गई, जिसे नाम दिया गया संत निरंकारी मंडल। प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा सेवादारों को दी गई, जिन्हें 7 सितारों की उपाधि से नवाजा गया। बाबा अवतार सिंह जी की उदारता का प्रमाण ही था कि उन्होंने सन 1962 में सच्चाई की लौ अपने पुत्र एवं गुरसिख गुरबचन को सौंप दी और खुद गुरसिख रूप में जीवन व्यतीत किया। Once a saint came to Papa Ramchand ji of Kapurthala and had complained about a particular saint. Papa ji, that saint is always pointing out the flaws in me. वो जब देखो मेरे में नुक्स और कमियां निकालते हैं। Papa ji coolly replied, Very good. You must be happy that he is taking away something from you and not adding anything in you. वो तेरे में से नुक्स निकाल ही रहा है ना? कुछ डाल तो नहीं रहा? The more you take out impurities from gold, the purer it becomes. Similarly, the saint is taking impurities out of you. So you must be thankful. This is how saints used to preach, that even in any negative situation, one should be optimistic. दुनिया में गिनती हो अपनी आग बुझाने वालों में, कहे हरदेव न शामिल होना आग लगाने वालों में। सिंह जी was taking a walk along with some saints. He saw a tube well and asked a question to those saints. Can you tell me from where is this water coming out and where is it going? One of the saints answered, धरती के नीचे से आ रहा है और पानी धरती के ऊपर जा रहा है। And then Bhai Sahab Amar Singh Ji explained, Look, how nature is also teaching us the way to live a life. The water is coming out of the earth. When out, it irrigates the farms. And when inside, it acts as the food for the crops. Similarly, whatever energy has been given to us by this Nirankar, be it in the form of tan, man or dhan, it should be used for serving mankind and only then it will prove beneficial. दूसरों की सेवा और परोपकार के कामों के लिए इस्तेमाल हुआ जीवन ही हमारे लिए सुखदायी और दूसरों के लिए लाभदायक होता है। मालिक दे तौफीक की बंदा
एक सच्चा इंसान बने। कहे हरदेव, जुड़े ईश्वर से, धरती पर वरदान बने। सन 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने इस मिशन की बागडोर संभाली और इस मिशन को एक नया मुकाम दिया। बाबा जी ने बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को ज्ञान के साथ जोड़ा। बाबा जी ने राजमाता कुलवंत कौर जी और अपनी जीवन संगिनी माता सविंदर कौर जी के साथ देश और विदेश की यात्राएं कर इस सत्य के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कह गया सबको अलविदा, कह गया सबको अलविदा। इस दिव्य सफर में एक ऐसा अलौकिक रूप भी साथ था जिन्होंने निरंतर न केवल मिशन का प्रसार किया बल्कि हमें संभाला, हमारे आंसू पोछे और समय आने पर अपनी ममता का आंचल इतना बड़ा कर लिया कि समस्त परिवार उसमें छाया पा गया। हाथ रखा सतगुरु बन हम पर और दी ममता की छाया, रोशन मीनार कैसे हो जीवन हम बच्चों को सिखलाया। खुद पीड़ा सहकर माने, बच्चों को खूब दुलार दिया, जग से जाने से पहले हमें सतगुरु का उपहार दिया। जब ऐसा लगा कि जीने का ना कोई सहारा बाकी है, ऐसे में हमें सतगुरु माँ से जीने की